नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेंद्र है। मैं आपके लिए फिर से सूचना तकनीकी कंप्यूटर और इंटरनेट का मॉक टेस्ट लेके आया हूं और ये हमारा टेस्ट शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। हालांकि सूचना तकनीकी कंप्यूटर इंटरनेट के जो प्रश्न होते हैं वो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये मॉडल मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने सूचना तकनीकी कंप्यूटर इंटरनेट का 3 पार्ट मॉक टेस्ट का दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। अगर अभी तक आपने इन पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लें, उन प्रश्नों को नोट कर लें, उनको याद करें, क्योंकि वे भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं। चलिए इस मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। वही पैटर्न होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पेन कॉपी लेके बैठें और आंसर लिखते चलें और देखें, अपना मूल्यांकन करें कि आप इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर करते हैं। अपना स्कोर कमेंट सेशन में आप मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देखिए ये मॉक टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन, एम एस वर्ड के जनक कौन थे। आपको इसलिए मैं यहाँ पे आंसर नहीं देता हूँ, मेरे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि आपको तुरंत आंसर देना चाहिए, तुरंत पे ही आंसर दे दूँगा तो फिर ये मॉक टेस्ट नहीं रह जाएगा, फिर ये वन लाइनर प्रश्न उत्तर हो जाएगा, तो मॉक टेस्ट का मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे आपको मौका देता हूँ कि पहले आप खुद सोचें कि कितना आपको आता है, कितना आपका तैयार है, उसके बाद आपका आंसर तो इस पूरे टेस्ट के अंदर आपको मिल ही जाता है। अभी लास्ट में मैं इनका आंसर ऐसे ही दूंगा, यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे लिखा ही रहेगा, तो वो बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। आप पहले अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए कितना आपका तैयार है। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा का विकास किसने किया था? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? BIOS का पूरा नाम लिखिए। अनुसंधान केंद्र अनुपम कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था ने किया? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए गए थे? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? प्रारंभिक समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था? पास्कलाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया? किसने भी पूछ सकता है, कब भी पूछ सकता है, दोनों को मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? कंप्यूटर की कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की KEY की है ये, फंक्शन की संख्या कितनी होती है? हाँ, एक ही और होना चाहिए था, तो इसको मैं मेंड कर देता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन देख रहे हैं, कंप्यूटर की कीबोर्ड में फंक्शन की यानी कि की संख्या कितनी होती है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं? रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? फोर्ट्रान भाषा किस का विकास किसने किया था? कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? रैम का पूर्ण नाम क्या होता है? 1969 में कैलिफोर्निया और विश्वविद्यालय ने किसकी शुरुआत की थी? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने किसकी शुरुआत की थी? ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने अर्पानेट से अधिक क्षमता का नेटवर्क बनाया, यानी उसका नाम क्या है? WWW का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ईजी भी है। वर्ल्ड वेब पर की जाने वाली दूसरी भाषा, मतलब कि अपलोड की जाने वाली दूसरी भाषा कौन थी सबसे पहले, जो दूसरे नंबर, पहले नंबर पे नहीं बल्कि दूसरे नंबर पे कौन थी? किसके माध्यम से कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के पर जोड़ा जा सकता है? कंप्यूटर में संवेदनशील सूचनाओं को धोखे से प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? ये इनका आंसर आपको देना है, और अगर आप इनका आंसर लिख लिए हैं या लिखते चल रहे थे तो अब आप इनका आंसर देखिए क्या रियल में इनका आंसर है जो आपको मैं देने जा रहा हूँ। पहले का आंसर है एम एस वर्ड के जनक विलियम हेवेरी है। कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा का विकास
जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। अनुसंधान केंद्र अनुपम कंप्यूटर का निर्माण ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के द्वारा किया गया था। और ये बताओ होगा प्रथम कंप्यूटर भारत द्वन कौन था? सिद्धार्थ। माइक्रो प्रोसेसर ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में लगा था और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था। प्रारंभिक गणना अबेकस के द्वारा की गई थी। पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेस पास्कल ने 1942 में किया था। कंप्यूटर का शाब्दिक संगणक होता है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का समृद्ध रूप हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। और कंप्यूटर कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं, 12 फंक्शन की होती हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट IC लगे थे, IC यानी IC पर आधारित थे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। रीड ओनली मेमोरी ROM होता है, ये अस्थाई होता है, परमानेंट होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये JW बेकस ने किया था। कंप्यूटर के भाग को इसको कहते हैं मदरबोर्ड कहते हैं। और 1024 किलोबाइट रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रोम है रीड ओनली मेमोरी जो भी इससे पहले हमने यहाँ देखा ये, और एक है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये परमानेंट नहीं होता है, वो परमानेंट होता है। ये जो इसका आंसर है ARPANET, और ये है नेटवर्क NS नेटवर्क नेट। और वर्ल्ड वेब वेब पता ही होगा, बहुत इजी था। और ये वर्ल्ड वेब वेब पर अपलोड की जाने वाली दूसरी भाषा थी चीनी। किसके माध्यम से कई कंप्यूटर, इसका नाम है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर में संवेदनशील सूचनाओं को धोखे से प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? इसको क्या फिशिंग कहते हैं, फिशिंग। तो ये 25 थे और इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने पहले प्रीवियस टेस्ट में भी दिए थे, वो सिर्फ इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि वो रिवाइज होता रहे और आपको लर्न होता जाए। जितने भी 3-4 या 5 मैं मॉक टेस्ट दूंगा उसमें कुछ क्वेश्चन ज़रूर रिपीट रहेंगे और वो इस बात का सूचक होंगे कि अगर आपने पहले इनको अटेम्प्ट किया है तो यहाँ बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है या आपने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया तो वहाँ भी गलत होंगे, यहाँ भी। तो ये हमारा चौथा मॉक टेस्ट था सूचना तकनीकी का, जिसमें आप 2-4 क्वेश्चन पाएंगे जो मैंने पहले या दूसरे में दिया था, तो वो आपके 100% सही होने चाहिए, बाकी और भी सही हो ऐसा आप प्रयास करें। और अपनी प्रिपरेशन को रिविज़न के द्वारा, मॉक टेस्ट के द्वारा फाइनलाइज करें, उसको एक शेप दें, क्योंकि समय कम है। तो जितना अधिक, अब आप जानते हैं कि जैसे इससे पहले भी आपने देखा जो मैं पहला मेथड दिखाता हूँ इस टाइप में, अब यहाँ पे अब ऐसे लिखा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा आपकी परीक्षा में, तो इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग जाता है ये। भाई वर्ल्ड वाइड वेब पर की जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? आपको एग्जैक्टली पता है कि चीनी, तब तो लगाएंगे। पहले क्या होता था, 4 ऑप्शन मिलते थे, 4 ऑप्शन में अगर हमने पढ़ा तो हमारे माइंड में स्ट्रक करता था, हम उसको हिट कर लिख लिया करते थे। अब यहाँ पे क्या है कि पूरा पूरा लिखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको लिखना है उसको बाकायदा, तो लिखना है, इसलिए थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम है। इसलिए बहुत ही सटीक और एकदम सुनिश्चित तैयारी की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा मेहनत कर लें उतना कमी है इस परीक्षा में। तो आप प्लीज़ इसको बहुत ही सीरियसली और बहुत ही मेहनत के साथ इसको तैयार करें, क्योंकि पेपर आपका इसी रूप में आएगा जिस रूप में मैं यहाँ पे देखा रहा हूँ, कि आपके सामने क्वेश्चन होगा, आंसर खुद लिखना होगा, नो हिंट नो ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे आपके पेपर में। इसलिए इस तरह के पेपर, इस तरह के फॉर्मेट पे अपना आंसर लिखने की कोशिश करें ताकि आप एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर भी करें ताकि सभी को ये वीडियो मिले और उनकी भी प्रिपरेशन बढ़िया हो। मेरा प्रयास है कि आप इस परीक्षा में बेहतर करें, आप अपनी नौकरी पक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।